महाराष्ट्र में आगामी त्यौहार को लेकर केंद्र सरकार के ग्राहक उपभोक्ता विभाग एवं नाफेड के संयुक्त माध्यम से देश में भारत दाल योजना के तहत जनता को चने की दाल बेहद सस्ते दामों में मुहैया कराई गई है। महाराष्ट्र के नासिक में भाजपा विधायक देवयानी फरांदे की अगुवाई में लाभार्थी जनता को चना दाल का वितरण किया गया है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने विधायक देवयानी फरांदे से खास बातचीत की है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के लिए सस्ते दामों में चना की दाल जो है आने वाले त्योहारों के लिए दी जा रही है। इसी कड़ी में नासिक में आज यहां पर यह प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक देवयानी फरांदे जी है। शासन के माध्यम से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, हम देख रहे हैं कि देश के हर कोई आदमी की, हर जनता की उनको चिंता रहती है। अभी त्यौहार नजदीक आ रहा है और इसीलिए ये चना दाल जो है वो 60 रुपये किलो से यहाँ पे उपलब्ध की गई है। और मेरे मध्य विधानसभा क्षेत्र के हरी इलाके में हमने ये शिविर आयोजित किया है। आप देख रहे हैं कि जनता उसका बहुत अच्छी तरह से लाभ ले रहा है। मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। राज्य सरकार का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि रेशनिंग की हर कोई दुकान से उन्होंने त्यौहार के पहले, अभी दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो अभी रेशनिंग की दुकानों में से 1 किलो साखर जो है, तेल है, दाल है और रवा है, ये सभी जो है उसकी भी उपलब्धि की जा रही है। हमारी इस भावानगर इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा है और उसमें भी सब जनता जो है बहुत अच्छी तरह से सहयोग ले रही है। ये थी देवयानी फरांदे जी, जिनका कहना है कि त्योहारों के चलते केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सामग्रियों का यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, जिसका निश्चित रूप से लाभ जनता को हो सकता है। रवि पाटिल, नेटवर्क 10, नासिक।